आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम हेनरी फोर्थ पार्ट वन की, जो कि विलियम शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ड्रामा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर के ट्रेजडी, रोमांस, ड्रामा ऐसे बहुत सारे प्लेज पढ़े होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा, और उनको पढ़ने के बाद में वो आसानी से आपको समझ में भी आ गए होंगे। बट जहाँ बात करते हैं हम विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल ड्रामाज की, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमें समझने में कि कौन सा ड्रामा क्या स्टोरी लेकर आया है। तो ऐसी ही सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने शुरू कर दी है ये सीरीज, जिसमें सारे के सारे हिस्टोरिकल ड्रामाज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हर ड्रामा को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 वीडियोज देखनी पड़ेंगी, जिसमें पहली वीडियो में हम उनके करेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, दूसरी वीडियो में उसके समरीज को यानी कि प्लॉट को एनालाइज करेंगे, और तीसरी वीडियो में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट कोटेशंस विद एक्सप्लेनेशन काम करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये सेशन है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का है, और ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एडिट जूनियर टीचर हो या TGT PGT या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC नेट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और ये वॉल्यूम नंबर 1 है जो कि हमारा हेनरी फोर्थ और पार्ट 1 के लिए हमने यूज किया है। ऐसी 2 वीडियोज और भी आने वाली हैं जिसके बाद में ड्रामा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज की वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कोटेशन पर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि सभी महान उपलब्धियों के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, आप लोग समझ ही होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। हमारे चैनल की सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है कि हम टोटल ऑफ डिटेल स्टडी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। हमारे सामने दिया गया है स्क्रीन पर हेनरी फोर्थ और पार्ट 1, ठीक है ना। टोटल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, जिसके बाद में आपको ये ड्रामा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हेनरी फोर्थ और पार्ट 1, ठीक है, इस सीरीज के कई सारे प्लेज हैं जो विलियम शेक्सपियर ने क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हमने बात यहीं से स्टार्ट की है, हेनरी फोर्थ और पार्ट 1 से। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको कन्फ्यूज़ करने वाला होता है। तो एनालाइज करेंगे शुरुआत में पहले कि ये ड्रामा क्या है, आखिर क्यों इसको लिखा गया था, और इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 क्या है, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, एंड बिलीव टू हैव बीन रिटन नो लेटर देन 1597, और लगभग इसको 1597 के समथिंग लिखा गया था। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका। अगर बात करते हैं हम इसके फर्स्ट परफॉर्मेंस की, यानी कि स्टेज पर इसको पहली बार कब परफॉर्म किया गया था, तो ये डेट है आपकी 6 मार्च 1600, यानी 6 मार्च और 1600 में इसको पहली बार थिएटर में प्रस्तुत किया गया था। अगर बात करते हैं इसके प्लेराइट की, तो विलियम शेक्सपियर इज द राइटर ऑफ दिस ड्रामा, प्रेसिडेड बाई रिचार्ड सेकेंड। एक और अच्छा ड्रामा है जो हमें इससे पहले कवर करना चाहिए था, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ से ही शुरुआत की है। ये जो हेनरी फोर्थ और पार्ट 1 आपके सामने दिया गया है, इस ड्रामा से पहले इसका एक बैकग्राउंड हिस्टोरिकल प्ले और भी है, जिसका नाम है रिचार्ड सेकेंड। ध्यान रखना क्या है रिचार्ड सेकेंड, उसके बाद में लिखा गया था हेनरी फोर्थ और पार्ट 1। ओके, इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की, तो इसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर वो है आपका सर जॉन फॉलस्टॉप, जो विलियम शेक्सपियर के लगभग 5 ड्रामा में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है हेनरी, जो कि किंग हेनरी ही है, और है प्रिंस ऑफ वेल्स और हेनरी फोर्थ, ठीक है, और ये मोर, यहाँ मोर का मतलब है बहुत ज़्यादा, और सारे लोग। ठीक है, और ओरिजिनल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, दिस वाज रिटन इन इंग्लिश, और बोल सकते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में इसको लिखा गया था। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने और कौन कौन से हिस्टोरिकल ड्रामा लिखे थे जो इससे लिंक थे, यानी इससे इंटरकनेक्टेड थे। तो इसके बाद में जो ड्रामा लिखे गए थे वो थे आपके हेनरी फोर्थ पार्ट 2, क्लियर रखना, हेनरी फोर्थ और पार्ट 2। एक और लिखा गया था जिसका नाम था हेनरी फिफ्थ, ठीक है, जो कि फर्स्ट फोलियो में शामिल थे, यानी ये जितने भी ड्रामा थे सभी फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुए थे, सिर्फ पेरिकल्स को छोड़ने के बाद में। पेरिकल्स को फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था, और द टू नोबल किंग्समैन इस ड्रामा को भी फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था।
ठीक है, क्योंकि वो विलियम शेक्सपियर का पार्टिकुलर वर्क नहीं था, वो फ्लीचर का भी वर्क था, उसमें फ्लीचर भी शामिल थे। तो अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा के बारे में कि ये ड्रामा आखिर है क्या है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप लोगों को थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है, और अगर आप धैर्य रखेंगे तो सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। किसी भी ड्रामा को शुरू करने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वो जानकारी अधूरी होगी जो हम बिना बैकग्राउंड हिस्ट्री के आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर ये ड्रामा है क्या। ओके, तो समझ लीजिएगा, वैसे तो स्क्रीन पर मैंने सब कुछ लिख दिया है और सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इट इज़ द सेकेंड प्ले, देखिए ये क्या है, ये सेकेंड प्ले है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना इस चीज़ को। इट इज़ द सेकेंड प्ले इन विलियम शेक्सपियर्स टेट्रोलॉजी, एक टर्म आया है टेट्रोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेट्रोलॉजी, टेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि विलियम शेक्सपियर की टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्ले शामिल है, तो आज हम यहाँ पर इस टर्म को भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि टेट्रोलॉजी आखिर क्या है, उसके बाद में हम ड्रामा पर बात करेंगे। तो टेट्रोलॉजी डीलिंग विद द सक्सेसिव रीजन्स ऑफ रिचार्ड सेकेंड, ये किस किस के बारे में डील करता है टेट्रोलॉजी, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ में यहाँ पर टू प्ले शामिल हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट वन और हेनरी फोर्थ पार्ट टू, यानी कि दो प्ले में शामिल रहते हैं हेनरी फोर्थ में। ओके, इसके बाद में लास्ट में एक प्ले और लिखा था इन्होंने जिसका नाम था हेनरी फिफ्थ। यहाँ रखना कितने प्ले हो गए, रिचार्ड सेकंड हो गया, हेनरी फोर्थ पार्ट वन हो गया, हेनरी फोर्थ पार्ट टू हो गया और हेनरी फिफ्थ हो गया, चार प्ले शामिल हो गए जो टेट्रोलॉजी में शामिल रहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्ले शामिल हैं, तो रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू और हेनरी फिफ्थ टेट्रोलॉजी में शामिल होने वाले प्लेज हैं। ओके, अगर बात करें हम हेनरी फोर्थ की, तो हेनरी फोर्थ एक बिगिनिंग की स्टोरी बताता है, क्या है, स्पेन हिस्ट्री दैट बिगिंस विद द हॉट्स वॉर। ये एक हॉट्सफोर्ड नाम का बैटल है, इस बैटल से शुरू होती है कहानी हेनरी फोर्थ पार्ट वन की। ओके, जो कि हेनरी फोर्थ पार्ट वन में जो हॉट्सफोर्ड का बैटल होता है वो किस जगह पर होता है, आपके सामने मैंने प्लेस का नाम भी लिख दिया है, हॉमिल्डन। ओके, हॉट्सफोर्ड बैटल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसमें हॉट्सफोर्ड नाम का एक रिवेलियन है, यानी कि करेक्टर है, जो कि किंग हेनरी के खिलाफ षड्यंत्र रच के बैटल लड़ते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो विलेनियस करेक्टर की बात आ जाती है तो हॉट्सफोर्ड है, और प्लेस ऑफ बैटल की बात आ जाती है तो हॉमिल्टन है, ये इसका प्लेस है जहाँ पर युद्ध होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं नॉर्थम्बरलैंड, एक और प्लेस का नाम आया नॉर्थम्बरलैंड अगेंस्ट इन डगलस लेट इन 1402। यानी ये जो वॉर है, जो बैटल है, हैमिल्टन में होता है, नॉर्थम्बरलैंड में होता है, अगेंस्ट डगलस के खिलाफ होता है, ये कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी की चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसको एक बार फिर से देख लेना, और वैसे तो मैंने स्क्रीन पे सब कुछ लिख ही दिया है, आप लोग इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ओके, और ये जो वॉर है, ये वॉर एंड होता है श्रीश्वरी में। ठीक है, द एंड ऑफ द प्लेस ऑफ द वॉर, ये है आपका श्रीश्वरी, यहाँ पर आके ये जो बैटल है ये फिनिश हो जाता है, और बैटल फिनिश होने की जो डेट है वो 1403, यानी कि 1403 ईस्वी में ये बैटल ख़त्म होता है, 1402 में ये बैटल शुरू होता है। ठीक, इस कहानी यानी ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है इस प्ले की, हेनरी फोर्थ पार्ट वन की। अगर बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, इट हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर प्ले बोथ द क्रिटिक्स फॉर द पब्लिक। अगर बात करें इसकी पॉपुलरिटी की, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्ले है, क्रिटिक्स की नज़रों से भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और पब्लिक की फिगर यानी कि दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रहने वाला है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं यहाँ पे बात समझाने वाला हूँ आपको टेट्रोलॉजी क्या होता है, क्योंकि टेट्रोलॉजी पे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिन लोगों को पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। द एट प्ले हेनरीट, यहाँ पर एक टर्म आया है, द एट प्ले हेनरीज एज नोन द फर्स्ट टेट्रोलॉजी। यहाँ पर हेनरी नाम का जो टर्म है वो इसलिए आया है क्योंकि जितने भी जो प्ले हैं इसके इस टेट्रोलॉजी में, उन सभी में जो प्रोटोगोनिस्ट है वो हेनरी है। कौन है? हेनरी। ठीक है ना, जिसको लास्ट में जाके हेनरी फिफ्थ की संज्ञा दे दी जाती है। ओके, किंग हेनरी इस पूरे के पूरे श्रेणी में मेन कैरेक्टर नहीं है, किंग हेनरी का जो बेटा है
हैरी बोलते हैं जिसको, ठीक है, जैसे हैल भी बोलते हैं, और आगे चल के वो किंग हेनरी फिफ्थ बन जाता है, वही इस कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, एकदम हीरो है, शुरू से लेकर अंत तक वो सभी प्लेज में चलता है। तो उसी के नाम के पीछे इसका टर्म दे दिया है हेनरियाड, ठीक है। तो ये हेनरियाड क्या है, ये फर्स्ट टेट्रोलॉजी मानी जाती है जिसमें सभी प्लेज इसके शामिल हैं, ठीक है। इसको सेकंड टेट्रोलॉजी भी बोला जा सकता है, और यानी समझ लेना यही ड्रामा है, जो चार ड्रामा है इन्हीं को हेनरियाड बोला जाता है, और इसी में पूरे 8 ड्रामा कंप्लीट कर दिए जाते हैं तब भी इसको हेनरियाड बोला जाता है, और किसी किसी जगह पर इसको सेकंड टेट्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, समझ लेना। विलियम शेक्सपियर की कोई दूसरी सेकंड टेट्रोलॉजी नहीं है, इसी को सेकंड टेट्रोलॉजी माना जाता है और इसी को फर्स्ट टेट्रोलॉजी माना जाता है, ठीक है। किसी किसी क्रिटिक ने इसको टर्मिनोलॉजी यानी कि पेयर ऑफ थ्री ड्रामाज भी बोला है, बट दिस टर्म वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये इन्फ्लुएंस में आया था शेक्सपियरियन एक स्कॉलर थे जिसका नाम था EMW टिलियार्ड, जिन्होंने 1944 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले। इस बुक में इन्होंने एक टर्म था जिसका उल्लेख किया, जिस टर्म का नाम है टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी, जिसमें तीन प्ले की बात होती है, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू और हेनरी फिफ्थ की बात होती है। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, आप चलते हैं आगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं अगर आप हिस्टोरिकल ड्रामा को पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। हिस्टोरिकल ड्रामा इज़ सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो वो हिस्ट्री होती है और दूसरा उसको ड्रामा में ढाल दिया जाता है, कुछ नए करेक्टर्स भी उसमें डाल दिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन से उबारने के लिए मैं लेके आया हूँ ये पूरी की पूरी आपके सामने सीरीज। तो शुरू कर लेते हैं। द शेक्सपियरियन हिस्ट्रीज आर बायोग्राफीज ऑफ इंग्लिश किंग्स। देखिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड हिस्ट्री इसलिए डाली है जिससे आपको जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो जाए कि आखिर ये प्ले क्या है। मैं चाहता था इसको डायरेक्टली शुरू कर सकता था, बट मैं ये पसंद नहीं करता कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में आए। तो शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्ले आर बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, यानी कि इंग्लिश किंग्स की जो बायोग्राफी होती हैं उनके बारे में बात होती है। और बायोग्राफी होती क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे की ज़िंदगी पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्स होते हैं, उन्हें हम बायोग्राफी बोलते हैं। तो जो प्रीवियस 4 सेंचुरी हैं, यानी शेक्सपियर के प्रीवियस 4 सेंचुरी हैं, 14 सेंचुरी के समथिंग की बात हो सकती है, 12 सेंचुरी की बात हो सकती है, तो उनमें जो किंग्स हैं जैसे किंग जॉन है, ठीक है, एडवर्ड 3rd है और हेनरी 8th हैं, ऐसे ही कंटिन्यूसली बहुत सारे किंग्स हैं जिनके बारे में सीक्वेंस में इन्होंने 8 प्ले यानी कि 8 प्ले लिखे हैं। ओके, तो दीज लास्ट आर कंसिडर्ड टू हैव बीन कंपोज्ड इन 2 साइकिल, और इनमें से जो लास्ट के जो प्लेज हैं यानी कि हेनरी 8th और एडवर्ड 3rd और किंग जॉन, ये प्ले इन्होंने 2 साइकल्स में लिखे हैं, यानी 2 कैटेगरीज में लिखे हैं, 2 तरीके से लिखे हैं, और यही क्या कहलाते हैं, यही फर्स्ट टेट्रोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है, जो लगभग लिखे थे कब, 1590 में, यानी 1590 की समथिंग इन्होंने लिखे थे। अब फर्स्ट टेट्रोलॉजी में शामिल क्या क्या है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट टेट्रोलॉजी ऑफ शेक्सपियर कंटेन विच काइंड ऑफ ड्रामास। तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी 1590s में जो कवर किए गए ड्रामा थे, उन ड्रामाज में थे वार ऑफ द रोजेज सागा, ठीक है, पहला ड्रामा था, ठीक है, ये इसमें शामिल था। इसके बाद में इंक्लूड किया गया था इसमें हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और रिचार्ड 3rd, समझ लीजिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको फर्स्ट टेट्रोलॉजी क्यों कहा गया, समझिए मेरी बात को, वार ऑफ रोजेस, हेनरी सिक्स, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और रिचार्ड 3rd, ये जो ड्रामा है 4 ड्रामा ये विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले लिखे थे, ठीक है, यानी कि हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 2 और जो आपका रिचार्ड 2nd है, ठीक है, इनको बाद में लिखा था। यहाँ जो बात हो रही है इन ड्रामाज की, सामने जो ड्रामा दिए गए हैं, समझ लेना मेरी बात को, वार ऑफ रोजेस और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपके शामिल हैं फर्स्ट टेट्रोलॉजी में। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये फर्स्ट टेट्रोलॉजी में शामिल हैं, ठीक, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले इन्हीं ड्रामाज को लिखा था, समझ लेना, ड्रामा पहले लिखे गए थे ये, कहानी इनमें बाद की है, नोट कर लेना, ड्रामा लिखे गए थे पहले ये, लेकिन कहानी इनमें किसकी है, बाद की है। लेकिन जो मैंने अभी ड्रामा बताए थे आप लोगों को, वो ड्रामा
आपके जो दिखाए जाते हैं, यानी कि हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू और हेनरी फिफ्थ, ठीक है, और रिचार्ड सेकेंड, वो ड्रामा जो है वो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, वो ड्रामा बाद में लिखे थे, लेकिन उनमें जो कहानी है वो इन ड्रामा के पहले की कहानी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट है बहुत, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों ने एक सेकंड के लिए वीडियो को स्किप कर दिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ छूट जाएगा। ओके, पहले ही बोल चुके हैं कि धैर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपकी सफलता प्राप्त करने में। तो यहाँ पर दे दिया है हमने द सेकेंड टेट्रोलॉजी, सेकेंड टेट्रोलॉजी मतलब दूसरी वाली टेट्रोलॉजी जिसमें कौन कौन शामिल है। जो सेकेंड टेट्रोलॉजी है वो आपकी फिनिश हुई थी कब, 1599 में, समझ लेना। मैंने पहले बता दिया कि जो फर्स्ट टेट्रोलॉजी वो पहले लिखी गई थी, सेकेंड टेट्रोलॉजी है वो बाद में लिखी गई थी। सेकेंड टेट्रोलॉजी में पहले की स्टोरी है और जो फर्स्ट टेट्रोलॉजी है उनमें बाद वाले हिस्टोरिकल जो किंग्स रहे हैं उनकी स्टोरी है। तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी, जो सेकेंड टेट्रोलॉजी है ये जो, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, चार्ल्स सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू और हेनरी फिफ्थ इसमें शामिल हैं, ठीक है। इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड द हेनरीज, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हेनरी आर्ट, क्योंकि इसमें किंग हेनरी की ही बात होती है, किंग हेनरी फिफ्थ की बात होती है जिसको लास्ट में किंग हेनरी फिफ्थ बोला जाता है। और इसमें जो मुख्य प्रोटोगोनिस्ट यानी जो करेक्टर है वो किंग हेनरी फोर्थ का बेटा प्रिंस हैल, इसके ऊपर ही जो पूरी कहानी चलती है, समझ लेना। किंग हेनरी फोर्थ का बेटा है प्रिंस हैल, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी चलती है, जिसको लास्ट में जाके हेनरी फिफ्थ बना दिया जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे आसानी से एनालाइज कर पाएंगे, खुद इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने इसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और आगे एनालाइज करेंगे अब ड्रामा को और ड्रामा के कैरेक्टर्स को। देखिए इस ड्रामा के जो भी सीरीज है पूरी की पूरी 3 वीडियोज में आने वाली है, मैं इस एक वीडियो में चाहूँगा फिर भी आपको कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको रटाना नहीं समझाना चाहता हूँ और जिन लोगों के पास धैर्य है वो इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर नहीं बोलेंगे हम किंग हेनरी फोर्थ को, समझ लेना। भले ही इसका नाम क्या है, किंग हेनरी फोर्थ इसका नाम है भले ही ड्रामा का, बट दिस इज नॉट द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द ड्रामा, ये कहानी का हीरो नहीं है, याद रखना ये कहानी का हीरो नहीं है। ये है कौन है, दिस इज द रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के वर्तमान शासक हैं, जो ड्रामा में बात चल रही है उस ड्रामा में ये इंग्लैंड के वर्तमान शासक हैं। ओके, हेनरी इज नॉट एक्चुअली ऑल दैट ओल्ड, बट एट द टाइम द प्ले ओपन्स ही हैज़ बीन वॉर्न डाउन परमेचुरली बाई बोरीज। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बात बताई गई है, वैसे तो मैं इसको ऑरली बता सकता हूँ बट मुझे एक लाइन करके समझाने में अच्छा लगता है। जो किंग हेनरी फोर्थ हैं वो ओल्ड नहीं है, यानी वृद्ध नहीं है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हों, बट क्या है कि उनको चिंता बहुत ज़्यादा है इस ड्रामा में। चिंता किस चीज़ की, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे अभी। चिंता इस चीज़ की है कि एक ऐसा पिता जिसका कोई लड़का हो, ठीक है, इवन देन उसके दो लड़के हों और उनमें से एक बेटा तो ठीक ठाक हो और एक बेटा उनका बहुत ज़्यादा नालायक निकल जाए, तो ऐसे पिता को हमेशा चिंताएं घेरे रहती हैं, और वो भी उस कंडीशन में जब उसको देश की पूरी सत्ता बागडोर उसके हाथ में हो, ठीक है ना। तो अपने उत्तराधिकारी के लिए राजा को चिंता रहती है कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कैसा निकलेगा, ठीक है। तो यहीं पर ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखिए वो क्या रहता है, वो हमेशा किस चीज़ से घिरा रहता है, वो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है इस वाले प्ले में, वो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। ही नर्सेस गिल्टी फीलिंग्स, और अपने आप में क्या अनुभव करता है, गिल्टी फीलिंग्स का अनुभव करता है। हैविंग वॉन हिज थॉर्न थ्रू अ सिविल वॉर दैट डिपोज द फॉर्मर किंग रिचार्ड सेकंड। देखिए जो हेनरी फोर्थ है, मैंने पहले बता दिया था कि विलियम शेक्सपियर ने जो सेकेंड टेट्रोलॉजी लिखी है उसमें रिचार्ड सेकंड शामिल है, ठीक। तो रिचार्ड सेकंड की जो कहानी है वो किंग हेनरी फोर्थ से पहले की है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने लिखा बाद में है, समझ लेना मेरी बात को, लिखा बाद में है लेकिन कहानी हेनरी फोर्थ से पहले की है उस ड्रामा में। ओके, तो इस ड्रामा में किंग हेनरी फोर्थ जो ड्रामा है, इस ड्रामा में जो हेनरी फोर्थ है वो चिंता में रहते हैं और सोचते रहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक युद्ध लड़ने के बाद में
और अपना जो फॉर्मर किंग था जिसका नाम था रिचार्ड सेकेंड उसको गद्दी से उतार दिया और खुद राजा बन गए। ये सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं। इन एडिशन हिज रीजन हैज़ नॉट ब्रॉट एन एंड टू द इंटरनल स्ट्राइफ इन इंग्लैंड। और इतना करने के बावजूद भी, यानी युद्ध लड़ने के बावजूद भी, किंग रिचार्ड सेकेंड को हराने के बाद भी जो इंग्लैंड में इंटरनल स्ट्राइफ थी, संघर्ष था, वो कम नहीं हुआ था, वो उसके बावजूद भी रहा था। ठीक है, तो रहा कैसे था? विच इरप्ट इंटू एन एवर विगर सिविल वार इन हिज प्ले। और उससे भी बड़ा युद्ध इस वाले ड्रामा में होने वाला था जो उन्होंने पिछले वाले ड्रामा में लिखा था, पिछले वाले ड्रामा में हुआ था, यानी कि जो आपका रिचार्ड सेकेंड है ना, उस ड्रामा में जो युद्ध हुआ था जिसमें रिचार्ड सेकेंड को इन्होंने हरा दिया था, उससे भी खतरनाक युद्ध आपका इस वाले ड्रामा में होता है, यानी कि किंग हेनरी फोर्थ में होता है। फाइनली ही इज वॉक्सड बाई द इररिस्पॉन्सिबल एंटिक्स ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। यहाँ पर एल्डेस्ट सन से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जिस एल्डेस्ट सन का नाम क्या है, प्रिंस हैरी। ध्यान रखना, इनके बेटे का नाम क्या है, प्रिंस हैरी, बड़े बेटे का, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे हैल भी बोलते हैं, हैल, ठीक है, दिस इज आल्सो नेम ऑफ प्रिंस। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दिया गया है रीगल, और रीगल प्राउड एंड सम वाट अलूफ, किंग हेनरी इज नॉट द मेन कैरेक्टर। जैसा कि मैंने अभी बता दिया था, यहाँ पर किंग हेनरी जो हैं, यानी जो राजा हैं, वो कहानी के मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं, ठीक है, भले ही पिता हैं, राजा हैं, और नाटक इन्हीं के नाम से है, बट वो इस कहानी के प्रोटोगोनिस्ट नहीं है, हीरो नहीं है। दैट बियर्स हिज नेम बट रेदर इट्स ए हिस्टोरिकल फोकस, और हिस्टोरिकल फोकस भी उन्हीं के ऊपर जाता है, फिर भी वो इस कहानी के राजा नहीं है, यानी इस कहानी के हीरो नहीं है। ही गिव्स द प्ले अ सेंटर ऑफ पावर एंड अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी थ्रू हिज एक्शन एंड इमोशंस आर लार्जली सेकेंडरी टू द प्लॉट। यहाँ पर बात होती है कि ये इसके कथानक को, कथानक का मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको जोड़ने का एक गठबंधन का काम करते हैं, ठीक है, जिससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ सके। गठबंधन के द्वारा ये अपने बेटे को जोड़ते हैं, यानी बेटे के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है, बेटे के जो फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा कहानी आगे बढ़ती है, और किंग हेनरी के कुछ फ्रेंड्स हैं उसके द्वारा कहानी आगे बढ़ती है, और जो फालस्टाफ है उसके द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कहानी में जो किंग हेनरी है ये मेन कैरेक्टर में नहीं है, बट फिर भी इनकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका, ये सेकेंड नंबर के कैरेक्टर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि किंग हेनरी के बेटे हैं, जिनका नाम है प्रिंस हैरी, याद रखना, जिनके बारे में मैंने अभी बता दिया, जिनको हैल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, हैल। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रिंस हैरी कौन है और किस तरीके से इनकी कैरेक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो किंग हेनरी फोर्थ सन, किंग हेनरी फोर्थ सन मतलब राजा हेनरी का जो बेटा है, हु विल इवेंचुअली बिकम किंग हेनरी फिफ्थ, जो आगे चल के, यानी कि इस ड्रामा के बाद में किंग हेनरी फोर्थ पार्ट वन और पार्ट टू के बाद में आगे चल के किस नाम से जाना जाएगा, किंग हेनरी फोर्थ के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो किंग हैरी की जो लाइफ है, हैरीज की जो लाइफ है वो किस तरीके की है, तो हैरी इज प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, इसको प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है, बट ऑल हिज फ्रेंड्स कॉल हिम हैल, जैसा मैंने अभी बता दिया था, किसके जो फ्रेंड्स हैं वो इसको हैल बुलाते हैं, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स भी इसी का टाइटल है और प्रिंस हैरी भी इसी का टाइटल है और जो किंग हेनरी फिफ्थ है वो भी इसी का टाइटल है, याद रखना। ही इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड हैरी मॉनमाउथ, देखिए इसका एक और टाइटल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ही इज आल्सो समटाइम कॉल्ड हैरी मॉनमाउथ, इसको इस टाइटल से, इस नाम से भी बुलाया जाता है। दो हैरी स्पेंड्स ऑल हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हाईवे मैन, हाईवे मैन कौन होते हैं, हाईवे मैन आर द पर्सन हु यूज टू लूट एंड रॉबर द पर्सन हु पास थ्रू द रोड्स और हाईवेज, ऐसे लोग जो हाईवे पे गुंडागर्दी करते हैं, रॉबरिंग करते हैं, या बोल सकते हैं कि थोड़े विलेनियस कैरेक्टर्स के होते हैं। तो हैरी है वो अपना पूरा मोस्ट ऑफ टाइम किन के साथ गुजार देता है, ऐसे ही गलत लोगों की संगत में गुजार देता है जो लूट करते हैं, ठीक है। He has secret plans to transform himself into a noble prince and his regal qualities. देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा,
कि विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा हैं उन ड्रामा में कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलते हैं। सो सच काइंड ऑफ मिस्टीरियस कैरेक्टर्स इज किंग हैनरी फाइव, ठीक है ना। यानी कि जो हैरी है, जो हेल है, वो भी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। वो ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ रहता है, गलत लोगों की संगत में रहता है, फालिश टाइप के साथ में रहता है, ठीक है। और अपने आप में उसने एक चीज सोच बैठी है, एक चीज सोच रखी है कि वो जब चाहेगा, ठीक है ना, वो जब चाहेगा तब उन चीजों को बदल देगा, और जब चाहेगा तब एक अच्छा राजा बन जाएगा। यानी ही कैन ट्रांसफॉर्म एट एनी टाइम हिमसेल्फ इन अ नोबल प्रिंस। वो जब चाहेगा तब एक अच्छा श्रेष्ठ प्रिंस बन जाएगा, भले ही अभी वो कितने भी गलत काम कर रहा हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, एक अच्छी क्वालिटी है, कि उसके कैरेक्टर में इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को जब चाहेगा एक अच्छे इंसान में परिवर्तित कर सकता है। ओके, इतना समझ में आया। तो ही इज द ओनली पर्सन हु हैव द कैपेसिटी टू चेंज हिमसेल्फ वट एवर ही थिंक एट एनी टाइम, जिससे जिस चीज में वो सोचे, जिस चीज में चाहे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हैरी इज द क्लोजेस्ट थिंग द प्ले हैज टू बी प्रोटोगेनिस्ट, और यही यहाँ पर जो तीन प्ले चलते हैं उनका मेन प्रोटोगेनिस्ट समझा जा सकता है। हिज कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रेसिव माइंड इज द जनरली एट द सेंटर ऑफ द प्ले। दो शेक्सपियर इज ऑफन समवॉट एम्बिगुअस अबाउट हाउ वी आर मीन्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्टिमुलियसली डिसीटफुल एंड हीरोइक यंग मैन। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब बात आती है, तो मैंने पूरे के पूरे प्रिंस के कैरेक्टर को समझा दिया, यानी उसने अपने मन में सोच बैठा है कि वो कितने भी भले बुरे काम करता है, लेकिन उसके बावजूद वो जब चाहेगा अपने आप को बदल देगा। नेक्स्ट करेक्टर है इसमें हॉटस्पुर, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है हॉटस्पुर। अब हॉटस्पुर है क्या, इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए हॉटस्पुर जो है इसी के पीछे ये पूरा हेनरी फोर्थ चलता है, हेनरी फोर्थ नाम का जो ड्रामा है लगभग इसी के पीछे चलता है। अब इसमें इसका मुख्य रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका क्या है, वो मैं आपको बताने वाला। पहले समझ लेते हैं कि ये जो हॉटस्पुर है ये आखिर है कौन। तो ये है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, एक नेम आया है अर्थ ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ये उनका बेटा है, ठीक है ना। किसका सन है ये, अर्थ ऑफ नॉर्थम्बरलैंड का बेटा है, ठीक है। एंड द नेफ्यू ऑफ अर्ल ऑफ वोरकेस्टर, और इनका भतीजा है, समझ लेना ये सारे करेक्टर, आप चाहो तो पेन पेंसिल से लिखते जाना। ये क्या है, इनका भतीजा, नेफ्यू है, ठीक है। हॉट्सफोर्स रियल नेम इज हेनरी पर्सी, अगर हॉट्सफोर की रियल नेम की बात करते हैं तो इसका जो रियल नेम है वो हेनरी पर्सी है, जिसको हैरी और पर्सी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना, हैरी और पर्सी के नाम से भी जाना जाता है। अब हैरी के नाम से तो चलो ठीक है जाना जाता है, पर्सी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो डायनेस्टी है, इसका जो वंश है, वो पार्सियन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी घर खानदान के लोग हैं, उन सबको पार्सियन बोला जाता है, याद रखना, पर्शियन। बट ही हैज अर्नड हिज निकनेम फ्रॉम हिज फाइननेस, लेकिन यहाँ पर जो इसका निकनेम है, ठीक है, यानी जो सरनेम है, वो इसने कैसे कमाया, क्यों लोग इसको इसके निकनेम से जाना जाने लगे इसको। तो ही हैज अर्नड हिज निकनेम फ्रॉम हिज फायरनेस, फायरनेस का मतलब है इसकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो बोल सकते करेक्टर है, जो खूंखार करेक्टर है बैटल फील्ड में, ठीक है, और हैस्टीनेस ऑफ एक्शन, इसकी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, पर्सी के नाम से। तो हॉट्सपुर इज अ मेंबर ऑफ द पावरफुल पर्सी फैमिली, ये जो है हॉट्सपुर ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, पावरफुल पर्सी फैमिली का एक सदस्य है, जो कहाँ रहती है, नॉर्थ में रहने वाली फैमिली है। इस फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस रहा है हेनरी फोर्थ की रियल लाइफ में, तो हेनरी फोर्थ की हेल्प की थी लोगों ने, यानी विच हेल्प ब्रिंग किंग हेनरी फोर्थ टू द पावर नाउ फील्स दैट किंग हैज फॉरगॉटन हिज डेब्ट टू देम। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात देखने को मिलेगी आपको, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जो किंग हेनरी फोर्थ हैं, किंग हेनरी फोर्थ ने जो रिचार्ड थर्ड से युद्ध लड़ा था और उसके बाद में खुद गद्दी पर बैठ गए थे, यानी रिचार्ड थर्ड को हराने के बाद में जो गद्दी पर बैठे थे, उसका रीजन ये था कि किन किन लोगों ने इसकी हेल्प की थी। तो जो पर्शियन फैमिली थी, यानी हॉट्सपुर की जो फैमिली थी, उस फैमिली ने जो हेनरी फोर्थ हैं उनकी मदद की थी पावर में आने के लिए, और अब जो हॉट्सपुर है,
देखिए इस कहानी में लड़ाई क्यों होती है, इस कहानी में युद्ध क्यों होता है। जो हॉट्सपुर है यानी पर्शियन फैमिली का जो एक राजकुमार है, प्रिंस है, अब उसे ऐसा लगता है कि राजा ने क्या कर दिया, किंग हैज फॉरगेटन हिज डेब्ट टू देम, यानी पर्शियन लोगों ने किंग की मदद की थी राजगद्दी पर बैठने के लिए, और राजा उनके कर्मों को, उनके जो अच्छे कर्म है उसका जो फेवर है उनके प्रति, किंग फोर्थ के प्रति, राजा उसको भूल गया है। ठीक है, यानी राजा एक एहसान फरामोश व्यक्ति हो गया है। तो यही सारी चीजें उसके मन में कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं, और वो इस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी रच देता है किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ। तो इन शेक्सपियर अकाउंट हॉट्सफोर इज द सेम एज एज प्रिंस हैरी, और हॉट्सफोर की जो एज है वो राजकुमार की एज के बराबर है, यानी किंग हेनरी फोर्थ का जो बेटा है, सन है प्रिंस हैरी, ही हैज द सेम एज हॉट्सफोर। ठीक है ना, दोनों की उम्र बराबर है। एंड बिकम हिज आर्क राइवल, आर्क राइवल का मतलब है जब युद्ध होता है तो उसमें वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्विक टेम्पर्ड एंड इम्पेशेंट हॉट्सफोर इज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ हॉनर एंड ग्लोरी टू द एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल अदर क्वालिटी। देखिए यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि जो हॉट्सफोर है वो बहुत ही ज्यादा इल टेम्पर्ड यानी कि इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, और उसके अंदर ना एक ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गरिमा, महिमा, सम्मान, ये सारी चीजें कूट कूट कर भरी हैं, और इन्हीं सारी चीजों को उसे ऐसा लगता था कि राजा ने उन्हें नहीं दी है, इसी वजह से पूरा का पूरा युद्ध होता है। ठीक है, तो आपके जो हॉट्सपुर है उसके अंदर ये क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो हॉट्सपुर का करेक्टर आपको क्लियर कर दिया मैंने, बाकी का कुछ बच जाता है तो आप वीडियो को बाद में एक बार फिर से देख लेना। और आगे बात करते हैं, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स इसमें आपको समझा दूंगा, आपको जिस करेक्टर तक पढ़ना हो, जो करेक्टर्स तक देखना हो, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो लंबी बना रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है, बुक से पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट इमिनियंट फिगर है जो विलियम शेक्सपियर के लगभग 5 ड्रामा में आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये, सर जॉन फालस्टॉफ। ओके, सर जॉन फालस्टॉफ है क्या चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है आखिर जो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमिनियंट फिगर बना देता है विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में। तो दिया गया अ फैट ओल्ड मैन बिटवीन द एजेस अबाउट 50 एंड 60, इसकी उम्र लगभग कितनी है, 50 से 60 के समथिंग इनकी उम्र है, और ये एक ओल्ड मैन है। ठीक है, 65 के समथिंग है, हु हैंग्स अराउंड इन टेवर्न्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लंदन। देखिए जो टेवर्न है, टेवर्न का मतलब होता है एक इन यानी कि एक सराय बोल सकते हैं, जो सराय में ज्यादातर सराय में ही पड़ा रहता है, जो कहाँ पर है, इन द रॉन्ग साइड ऑफ लंदन के रॉन्ग साइड में है यानी कि बाई साइड में है। मेक हिज लिविंग एज थीप, जो एक चोर के तरीके से रहता है, ठीक है, हाईवे मैन के तरीके से रहता है, हाईवे मैन क्या होता है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, मूछ। ठीक है, फालस्टॉफ इज प्रिंस हैरीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, जहाँ जो किंग हेनरी फोर्थ के बेटे की बात हो रही है प्रिंस हैरी की, तो फालस्टॉफ क्या है, उसका बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है। अब यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म की बात यह है कि फालस्टॉफ की जो एज है वो बहुत ज्यादा है, और जो हैरी है वो कम एज का बच्चा है। ठीक है, दोनों का मेलजोल कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फालस्टॉफ इज द फ्रेंड ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, फालस्टॉफ जो है वो किंग हेनरी फोर्थ के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, और उनकी आर्मी में एक बहुत ही अच्छे योद्धा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, तो एक तरीके से एक अल्टरनेटिव फादर का रूप ये यहाँ पर दिखाते हैं, और इसको गाइडेंस देते हैं, अपने रखरखाव में इसका खर्चा पानी पूरा उठाते हैं। इन्हीं की सोबत में जो हेनरी का जो बेटा है, हैरी के जो प्रिंस हैरी है वो बिगड़ जाता है। ठीक है ना, सारे जो बुरे कृत्य करता है वो फालस्टॉफ के साथ रहकर ही करता है, क्योंकि फालस्टॉफ अपने आप में एक बहुत अजीबोगरीब करेक्टर जिसके अंदर सारी बुराइयां आपको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहां दिया गया है कि सीम्स टू एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ मेंशन टू हिम इंस्ट्रक्टिंग हिम इन द पार्टिकल्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड बैकबोन्स। यहाँ पर इसकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती देखने को मिलेगी। ठीक है,
ही इज द ओनली वन ऑफ द बंच हु कैन मैच हैरीज क्विक विट पन फोर पन। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हैरी जो कैरेक्टर है आपका, यानी कि प्रिंस हैरी है, उसकी जो सबसे ज्यादा जो मेल मिलाव होता है, ठीक है ना, इसका जो सबसे ज्यादा जो मेल मिलाव होता है वो किसके साथ में हो पाता है, वो होता है फालस्टॉप के साथ में। याद रखना किसके साथ में होता है, फालस्टॉप के साथ में। फालस्टॉप और प्रिंस हैरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रहता है और दोनों ही एक दूसरे से मजाकी अंदाज में जुड़े रहते हैं। यहाँ जो प्रिंस हैरी है वो फालस्टॉप से बहुत सारे जीवन के रहस्यों को, जीवन कैसे जिया जाए, जिंदगी में कैसे रहा जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ से सीखता है। तो एक तरीके से फालस्टॉप उसका गाइडेंस, एक गाइड का काम करता है यहाँ पर। ओके, आगे बात करते हैं अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो आपको प्ले में देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं लिखा है बट जितना क्वेश्चन में आ सकता है उतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, याद रखना इस कैरेक्टर को, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है मैंने, तो ही इज अ नोबल मैन एंड अ मिलिट्री लीडर। क्या है ये, एक नोबल मैन है, एक अच्छा व्यक्ति है, और कौन है, एक मिलिट्री लीडर है। हु इज वेरी क्लोज कंपेनियन, और ये बहुत अच्छा साथी है, किसका, वैल्यूएबल एले, एले का मतलब होता है साथी, ध्यान रखना, क्या है, साथी बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, हमदर्द बोल सकते हैं, किसका, किंग हेनरी फोर्थ का। ठीक है, यानी कि ये किंग हेनरी फोर्थ के सपोर्ट वाला व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कंपेनियन और बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी वैल्यू रखता है उनकी लाइफ में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, तो अगला कैरेक्टर और भी आपके सामने दिया गया है, लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकास्टर। ठीक है, इसका क्या रोल है पूरे ड्रामा में, इसको भी देख लीजिए। ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, बहुत शॉर्ट में लिख दिया है जो आपको समझ में आ जाएगा। लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकास्टर, ठीक है, इसका क्या रोल है, द यंगर सन ऑफ किंग हेनरी। ठीक है, मैंने बताया था कि किंग हेनरी के दो बेटे थे, ठीक है, एक तो प्रिंस हैरी है, दूसरा है लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकास्टर। तो किंग हेनरी का जो दूसरा बेटा है वो यही है, और ये छोटा बेटा, याद रखना, कैसा है, ये छोटा बेटा है, और इसकी आदत बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी बुराई वाली आदत नहीं है। छोटा होने के बावजूद भी ये अपने आप को क्या करता है, वाइज एंड वेलियंट इन द बैटल डेस्पाइट हिज यूथ। छोटा होने के बावजूद भी ये अपने आप को युद्ध में बहुत चतुर, ठीक है, निर्भीक और साहसी साबित कर देता है। ओके, चलिए, ये याद रखना, ये क्या है, यंगर ब्रदर है प्रिंस हैरी का, और यंगर सन है किंग हैरी का, सॉरी किंग हेनरी फोर्थ का। चलिए, तो इतना हो गया, आगे समझ लेते हैं नेक्स्ट, सर वाल्टर ब्लूंट। एक और इम्पोर्टेंट करेक्टर दिया है हमने, सर वाल्टर ब्लूंट। ये हो कौन है, ये लॉयल एंड ट्रस्टेड एली, एली का मतलब फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, साथी, हमदर्द, ठीक है, साथ चलने वाला, ऑफ द किंग एंड अ वैल्यूएबल वॉरियर। ये भी एक वॉरियर है जो किंग हेनरी फोर्थ के साथ रहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, थॉमस पर्सिस अर्ल ऑफ वॉरकास्टर। अब बात होती है जो पर्सी फैमिली है उनके सदस्यों के बारे में, क्योंकि दोनों तरफ दो प्लॉट चलते हैं कहानी में, एक पर्सी फैमिली की साइड में कहानी चलती है और एक हेनरी फोर्थ के परिवार की वाली कहानी चलती है। दो तरीके के प्लॉट चलते हैं कहानी में, शुरू से लेकर और लगभग लास्ट तक, और जहाँ पर आकर दोनों कहानियाँ एक से टच हो जाती हैं वहीं पर प्लॉट एक हो जाता है और वहीं पर युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ प्लॉट किस तरीके से है इसका। सपोज करिए कि एक प्लॉट यहाँ से चलता है, प्लॉट का मतलब होता है कथानक, यानी जिसमें कहानी चलती है, एक प्लॉट जहाँ तक है। अब यहाँ पर हेनरी के परिवार के सदस्यों की बात होती है, ठीक, या इसमें कहीं पे सब प्लॉट भी है, सब प्लॉट में मतलब प्रिंस के बारे में बात हो रही है, ठीक, जो प्रिंस रहता है उस जगह के बारे में बात हो रही है, तो सब प्लॉट ही हो गया। अब यहाँ पर पर्सी फैमिली की बात हो रही है, ये दूसरा प्लॉट हो गया। अब इस प्लॉट में क्या है, जो हॉटस्पुर है उसकी बात होती है, तो ये इसका सब प्लॉट हो गया। हॉटस्पुर की बात होती है यहाँ पे, ये इसका सब प्लॉट हो गया और ये इसका सब प्लॉट हो गया, तो ये प्लॉट और ये प्लॉट दोनों एक ही माने जाएंगे, ठीक है ना, और ये प्लॉट दोनों एक ही माने जाएंगे, तो ये दोनों चले आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों प्लॉट क्या है, ये चले आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चले आ रहे हैं, इसकी अपनी कहानी चलती आ रही है, इसकी अपनी कहानी चलती है, दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां चलती हैं, और जहां पर आकर ये दोनों एक हो जाते हैं। देखिए, जब दो व्यक्ति अलग अलग जगहों पर हैं तब हमें दोनों की कहानियां अलग अलग जगह पर सुनानी पड़ेंगी, लेकिन मालूम है दोनों का रास्ता एक ही है, वो एक जगह पर आकर रुकेंगे, फिर जाकर वो प्लॉट एक हो जाता है और उसी मिड पॉइंट पर क्या होता है, बैटल हो जाता है, और वहां पर ये प्ले खत्म होता है, लेकिन ये प्ले समाप्त नहीं होता है। इसके बाद का जो बैटल है वो किंग हेनरी सेकंड में मिलता है, यानी किंग हेनरी और पार्ट टू में मिलता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और आगे दिया गया है
थॉमस पर्ची अर्ल ऑफ वोरकास्टर क्या है कहानी में, इसको भी हम देख लेते हैं। तो हॉट्सपुर अंकल ये है कौन है, ये हॉट्सपुर जिसकी बात हो रही थी शुरुआत में, ये हॉट्सपुर के अंकल हैं, ठीक है। चालाक मैनिपुलेटिव यानी लोगों को गुमराह करने वाले, वॉरकेस्टर इज द मास्टर माइंड बिहाइंड द पर्ची रेबेलियन, जो पर्ची रिवेलियन है, पर्ची रिवेलियन का मतलब जो पूरा ग्रुप है जो राजा हेनरी फोर्थ के साथ में युद्ध करता है, कॉन्स्परेसी रचता है, ये उस ग्रुप का क्या है, मास्टर माइंड है। कौन? थॉमस पर्ची अर्ल ऑफ वॉरकेस्टर, ये पूरा नाम है उसका। ओके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है हेनरी पर्ची, ये सभी हेनरी पर्ची वगैरह ये सभी पर्ची फैमिली चल रहे हैं। तो हेनरी पर्ची इसका जो नाम है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, याद रखिएगा हेनरी पर्ची, ये नाम हो गया हेनरी पर्ची, ये कौन है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, और ये जो ऊपर बताया था हमने ये अर्ल ऑफ वॉरकेस्टर था, इसका नाम था थॉमस पर्ची, ठीक है। तो देख लेते हैं ये है कौन है, तो हॉट्सपुर फादर, अभी हॉट्सपुर की बात हो रही थी, ऊपर वाले अंकल थे और ये कौन है, ये हॉट्सपुर के फादर है, ठीक है। नॉर्थम्बरलैंड कॉन्स्पायर्स एंड रेज ट्रूप्स ऑन द पर्ची साइड, पर्ची की साइड से किंग हेनरी की तरफ जो फौज जाती है लड़ने के लिए, यानी कि किंग हेनरी से जो फौज लड़ने के लिए भेजी जाती है, पर्शियन जो लोग हैं उनकी साइड से, वो उनका इंतजाम यही करते हैं नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। बट ही क्लेम्स दैट ही इज सिक बिफोर द बैटल, लेकिन एक अजीबोगरीब कहानी हो जाती है, जैसे युद्ध शुरू होता है तो ये बोलते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, और इस तरीके से जो श्रीसुवरी का युद्ध होता है वहां पर इसकी जो आर्मी थी वो नहीं पहुंचती है, ठीक है, यानी कि इसकी आर्मी उस युद्ध में भाग नहीं लेती है। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है ये, तो कि अचानक अपनी सेना को वो युद्ध में नहीं भेजते हैं। आगे दिया गया है, मैं सारे के सारे करेक्टर्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, इसके बाद में आपको किसी करेक्टर के लिए किसी बुक में भटकना नहीं पड़ेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो आप लोगों के लिए यूज में आती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिया गया है एडमंड मोर्टिमोर कॉल द अर्ल ऑफ मोनार्क, क्वेश्चन जो मैं आपको हेडिंग में दे रहा हूँ ना, हेडिंग में ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे के ऐसे आ सकते हैं, हु कॉल द अर्ल ऑफ मार्च, ठीक है, तो अर्ल ऑफ मार्च किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ लीजिए अर्ल ऑफ मार्च कौन है, तो द वेल्स रेबल ओवेन्स ग्रेंडियर्स सन इन लॉ, यानी इनका जो दामाद है किसका, ओवेन गैविलियर्स, ठीक है, इनका जो दामाद है वही एडमंड मोर्टिमोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मोर्टिमोर इज कॉन्फ्लेशन ऑफ टू सेपरेट हिस्टोरिकल फिगर, यहाँ पर इसके दो फिगर देखने को मिलते हैं मोर्टिमोर के। रीजन क्या है, जब रिचार्ड थर्ड ड्रामा चल रहा था तो रिचार्ड थर्ड में जो किंग रिचार्ड थर्ड था उसको जब गद्दी से नहीं उतारा गया था तो उस गद्दी का जो वास्तविक हकदार था, ठीक है ना, जो उस गद्दी पर बैठना चाहता था वो यही था मोर्टिमोर, याद रखना यही इसका हकदार था। इसने भी उस पर बहुत अच्छे तरीके से दावा किया था कि किंग रिचार्ड के बाद में शासन पर मैं बैठूंगा। ओके तो बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। और अगला है ओवेन ग्लेंडर, ओवेन ग्लेंडर कौन है, वेल्स रेबल्स, ठीक है, किंग हेनरी फोर्थ के प्रति कई सारे लोगों ने षड्यंत्र रचा था उसको गद्दी से हटाने के लिए, ठीक है। तो द लीडर ऑफ द वेल्स रिवल्ट, वेल्स के जो रिवल्ट थे, वेल्स के जो मतलब षड्यंत्रकारी थे उनमें बात हो रही, तो ओवेन ग्लेंडर कौन है, द लीडर ऑफ द वेल्स रिवल्ट एंड द फादर ऑफ लेडी मोर्टिमर, ठीक है, लेडी मोर्टिमर यानी जो मोर्टिमर की जो वाइफ थी उसके पिताजी हैं ये, ठीक है। और मोस्ट एडिशन ऑफ हेनरी फर्स्ट पार्ट हेनरी फोर्थ पार्ट वन रेफर टू हिम एज द ओवेन ग्लेंडियर, ठीक है, इन्हीं को ओवेन ग्लेंडियर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, हाँ ये दिया है यहाँ नहीं है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और तो सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला एक और कैरेक्टर है, करेक्टर तो इसमें बहुत सारे हैं, उनको आप देख लीजिए, जैसे आर्कीवेल्ड, ठीक है, आर्कीवेल्ड दिया गया अर्ल ऑफ डगलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, द लीडर ऑफ द लार्ज आर्मी ऑफ स्कॉटिश रिवेल अगेंस्ट किंग हेनरी, छोटे छोटे पॉइंट दे दिए जो आपको याद कर लेने, उसके बाद में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आर्कीवेल्ड और अर्ल ऑफ डगलस की बात होती है, तो ये कौन है, ये लीडर है किसका, स्कॉटिश रिवल्ट का, जो कि किंग हेनरी के प्रति, किंग हेनरी के खिलाफ लड़ने जाता है, ठीक है।
तो ये भी हो गया। इसके बाद में सर रिचार्ड वर्मन, सर रिचार्ड वर्मन के बारे में देख लीजिए, ये कौन है, रिलेटिव है और एक साथी है किसका, अर्ल ऑफ वोरकास्टर का, इतना याद कर लेना है। आगे है द आर्क वाइस ऑफ यॉर्क, ठीक है, आर्क वाइस ऑफ यॉर्क कौन है, ये कौन है, आर्क वाइस ऑफ हुज गिवन नेम एज रिचार्ड स्क्रूप, इसको रिचार्ड स्क्रूप के नाम से भी जाना जाता है। हैज अ ग्रीवेंस अगेंस्ट किंग हेनरी, ठीक है, ये भी किंग हेनरी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस वजह से क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेटी रचते हैं किंग हेनरी के खिलाफ, किसके साइड में होके, पर्सियन साइड में होकर। नेक्स्ट है नीड पॉइंट्स, एक कैरेक्टर है नीड पॉइंट्स, वार्डोल्फ एंड पेटो, ये तीन कैरेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कौन है इनके बारे में भी समझ लीजिए। ये क्रिमिनल्स हैं, हाईवे मैन है, लूटर हैं, ठीक है, रॉबर्स हैं, ठीक है, और ये किसके साथ रहते हैं, प्रिंस हैरी के ये दोस्त हैं, जो फालस्टॉप के भी फ्रेंड है, क्योंकि फालस्टॉप के साथ में ये सभी लोग रहते थे और प्रिंस हैरी भी इनका दोस्त था। ये पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं और कहाँ रहते हैं, बोर हेड ऑफ टेवन, जहां पर जनरली कौन कौन रहते हैं, सभी गलत लोग वहां पर रहते हैं, ठीक, और ये भी युद्ध में जाते हैं जब वॉर होता है, ठीक है, जब युद्ध लड़ा जाता है तो प्रिंस हैरी है वो इन सभी लोगों को युद्ध में अपने साथ ले जाता है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और दिया गया है, एक लास्ट करेक्टर है आपके सामने, ये है गॉडसिल, एक गॉडसिल बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, छोटा सा नाम है बट इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, ये एक और हाईवे मैन है, हाईवे का मतलब एक लुटेरा है, ये भी प्रिंस हैरी का फ्रेंड है, फालस्टॉफ का भी फ्रेंड है एंड द रेस्ट। गॉडसिल सीम टू बी निकनेम, इसको गॉडसिल का नाम है वो कब मिला था, आफ्टर द प्लेस ऑन द लंडन जिसका नाम था गॉडसेल, ये गॉडसेल नाम की जगह पर रहता था जो कि रोड पर थी, वेयर ही हैज सेट अ मैनी ऑफ रॉबरी, जहां पर इसने बहुत सारी लूट की थी, बहुत सारी रॉबरीज की थी, इसी के नाम से इसका जो नाम था, निकनेम था, वो गॉडसेल पड़ गया, गॉडसेल, ठीक है, वैसे इसको बोलेंगे गॉड्स हिल लेकिन एक साथ कंटिन्यूसली से पढ़ेंगे तो गॉडसेल हो जाता है। आगे देख लेते हैं मिस्ट्रेस कोकिली, लास्ट कैरेक्टर है, और हॉस्टेस, ये कौन है, हॉस्टेस ऑफ वोर्स हेड टेवन, यानी वोर्स हेड टेवन जहाँ पर जॉन फालस्टॉफ और जो किंग हैरी है ये सभी लोग मिलजुल के रहते थे, शराब वगैरह पिया करते थे, ये वही टेवन यानी कि इन है, सराय है, ठीक है। सी टी डाइव इन ईस्ट चीफ लंदन वेयर द फालस्टॉफ एंड हिज फ्रेंड्स गो टू ड्रिंक, जहाँ फालस्टॉफ और उसके सभी फ्रेंड्स, प्रिंस हैरी वगैरह सभी लोग पीने खाने के लिए जाते थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने सभी कैरेक्टर्स को एनालाइज किया है, अगली जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम बात करेंगे इसके समरी की बात करेंगे, जिसमें सारा सब कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो वीडियो नंबर थर्ड आएगी इसकी, उसमें बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट कोटेशंस की, ठीक है, और हो सकता है अगर उसी में हमने बात की तो क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बात करेंगे तो हम अगली वाली वीडियो यानी कि फोर्थ नंबर की वीडियो में बात कर लेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से इस ड्रामा को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम सारे के सारे ड्रामा कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ में, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए।